हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाल मिर्च का बहुत ही तीखा, चटपटा और चटकारेदार अचार बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से आप लाल मिर्च का भरवा अचार आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान तरीके से, और इसको आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको कई साल तक स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। आइए मैं फटाफट से दिखाती हूँ इसको बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, लाल मिर्च के अचार को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी लाल मिर्चें। मैंने यहाँ पर आधा किलो लाल मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ कर रखा है। अब यहाँ पर मैं डंठल सहित, यानी कि जो मिर्च की डंडी होती है, उसके सहित मैं अचार डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसको काट कर अलग कर सकते हैं या फिर आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डंठल रखी हुई है, उसके साथ में अचार डालूंगी। तो इस डंठल को सुखाना बहुत जरूरी है। अगर लाल मिर्च नहीं सूखेगी अच्छे से तो अचार खराब हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 घंटे की हम धूप दिखा देते हैं। तो देखिए, मैंने इसको एक साफ सूती कपड़े पर डाल दिया है और धूप के नीचे मैं इसको सुखा रही हूँ लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। लगभग 5 घंटे की धूप में मैंने लाल मिर्च को सुखा लिया। इसकी जो डंठल है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से सूख चुकी है, अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब इसे हम अचार बनाना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें लेनी है लाल मिर्च और हमें उसमें इस तरह से कट लगाना है। एक कट मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आपको इस तरह से नाइफ की हेल्प से कट लगाना है ताकि इसके अंदर हम मसाला भर पाएं। तो फ्रेंड्स, सारी लाल मिर्चों को हमने कट लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। अचार के लिए मसाला बनाने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी 50 ग्राम के करीब सौंफ, मोटी वाली सौंफ चाहिए हमें। इसके अलावा 10 ग्राम के करीब हमें चाहिए होंगी मेथी के दाने। 25 ग्राम के करीब हमें चाहिए होगी राई। राई की जगह आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं। 25 ग्राम के करीब ही हमें चाहिए होगा अमचूर पाउडर, जो कि खटास के लिए बहुत जरूरी है। 25 ग्राम हमें चाहिए होगा काला नमक। 5 ग्राम के करीब हमें चाहिए होगी लाल मिर्च का पाउडर। 12 ग्राम के करीब हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर। आधी छोटी चम्मच हमें चाहिए होगा हींग। इसके साथ ही 2 ग्राम के करीब हमें चाहिए होगी कलौंजी। इसके साथ ही 70 ग्राम के करीब हमें चाहिए होगा सफेद नमक। तो ये थे सारे मसाले। अब सबसे पहले हमें इन दोनों मसालों को भूनना होगा, यानी कि सौंफ को और मेथी के दानों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद में इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, मैंने एक पैन लिया है, पैन को मैंने गर्म कर लिया, इसमें मैंने सौंफ डाल दिया है। तो सबसे पहले सौंफ को हम भून लेंगे। फ्लेम को हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। तो इसको भुनने में लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा। हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सौंफ का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो हम इसमें मेथी के दाने भी डाल देंगे और मेथी को हम भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए, मेथी के दाने भी डाल लिए हैं और देखिए इसको भी हम भून लेते हैं इस तरह से। जैसे ही मेथी के दानों का कलर चेंज होगा, उसके बाद में दोनों मसालों को हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर हम बारीक पीस लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम मिर्च के अचार के लिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए आपको एक लेना है कोई डिश या बोल लेना है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम मसाला डालेंगे जो अभी अभी हमने पीस कर रखा है। तो ये मेथी और सौंफ का पाउडर है जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, वो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे। दूसरी तरफ राई को भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो एक एक करके सारे मसाले हमें इसमें डाल देने हैं। तो हल्दी भी डाल देंगे, कलौंजी भी डालेंगे, नमक डाल दिया है मैंने, साथ ही हम इसमें काला नमक भी डालेंगे, हींग डाल दी है और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे ड्राई मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें अमचूर पाउडर डालना बाकी है, वो मैं लास्ट में ऐड करूंगी। आप चाहे तो साथ में ही ऐड कर सकते हैं। तो मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हमने लगभग 1 छोटी कटोरी यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, और वो मैंने डाल दिया है। तेल आपको इतना लेना है कि जस्ट जो हमारा मसाला है वो गीला हो जाए। तो मसाले को अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं खटास के लिए, या फिर 2 नींबू का रस भी निचोड़कर डाल सकते हैं, पर अमचूर पाउडर का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है अचार में, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर का यूज किया है। अच्छे से मिला लिया और हमारा ये अचारी मसाला बनकर तैयार है। अब हमें लाल मिर्चों को भरना है। जिसके लिए लाल मिर्च को ले लें और इस तरह से बीच में आप मसाला भर दें।
मसाले की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, अगर आपको मिर्च में ज़्यादा मसाला पसंद है तो ज़्यादा भर सकते हैं, कम पसंद है तो कम भर लें, वैसे थोड़ा अच्छे से भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने काफ़ी अच्छे से मसाला भर दिया है और सारी लाल मिर्चों को इसी तरह से मसाला भर के हम रेडी कर लेंगे। इस अचार को आप बनाकर रख सकते हैं फ्रेंड्स, और हमें एक दिन की धूप दिखानी होगी कंटर को, जिस भी कंटेनर में आप रखें, और उसके बाद में आप इस अचार को सालों तक स्टोर कर सकते हैं, ये अचार खराब नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे लाल मिर्चों को हमने भरकर रेडी कर लिया है। हमारा अचार देखने में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये जो बचा हुआ मसाला है अचार का, इसका हमें क्या करना है, इसका यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो लाल मिर्ची हमारी भरकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसको कंटेनर में हम भर देते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बोल में आपको सरसों का तेल लेना है, एक लाल मिर्च लेनी है और इस तरह से डुबोना है, फटाफट से डुबोना है और फटाफट से हमें इसे कंटेनर में डालते जाना है। तो सारी लाल मिर्चों के साथ हमें ऐसा ही करना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, जिस कंटेनर में आप कोई भी अचार को स्टोर करें तो उस कंटेनर को बिल्कुल साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे पहले उसको साबुन से अच्छे से धो लें और उसके बाद में कम से कम 2 घंटे की धूप दिखा लें। तो देखिए, सारी लाल मिर्चों को इसी तरह से कंटेनर में हम भर देंगे और उसके बाद में हम 1 दिन की धूप दिखाएंगे। तो देखिए, लाल मिर्च को हमने कंटेनर में भर दिया है, अब इसको हम धूप में 1 दिन के लिए रख देंगे और उसके बाद में ढक्कन लगाकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सालों तक ये अचार चलेगा, खराब नहीं होगा। तो लाल मिर्च का अचार बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ, ये है बचा हुआ मसाला, अचार का बचा हुआ मसाला। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तो आपको फ्रेंड्स लेनी है लगभग 100 ग्राम के करीब हरी मिर्च, उसको आपको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट लेना है, चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं। और ये मसाला आपको उसमें डाल देना है, साथ ही बचा हुआ तेल भी डाल देना है, चाहे तो थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में उस अचार को आप लंच या डिनर में कभी भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमारा लाल मिर्च का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, और कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।